Welcome in my YouTube channel. Kindly subscribe and keep watching my channel for refreshing video and press the bell icon for daily updates. Thanks for watching. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान में लेके आ रही हूँ इमली और आलू बहारे का शरबत। चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, आज हम रमज़ान स्पेशल में लेके आए हैं इमली और आलू बहारे का शरबत। अशिया के बारे में आपको दिखाते हैं। यह हमारे एक पाव आलू बहारा है, इसको हमने 2 घंटे के लिए 1 कप पानी डालकर नीम गर्म पानी में भिगो दिए थे। ये आप देखें अच्छी तरह हो गए हैं, गल गए हैं। ये नमक है, नमक आपने हसबे जायका डालना है। और ये 4 कप हमारी चीनी है और 1 पाव इमली है। ये देखें, इसको एक पानी डाला था, 1 गिलास डाल के तो इसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। अब ये भी अच्छी तरह देखें मेल्ट हो गई है, गल गई है। और ये हमारे 4 कप पानी है, ये वाले हमने 1 कप डाले थे। दिखाते हैं आपको रेसिपी। ये देखिए आलू बहारा है, इसके लिए देखिए ये सारी गुटलियाँ हमने उतार देनी है, यानी कि इसको इससे अलग कर देना। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान, आपने भी इसी तरह करनी है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, देखें हमारी ये सारे आलू बहारे की सारी गुटलियाँ मैंने निकाल ली हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारे व्यूअर्स की फरमाइश के मुताबिक हम ये आलू बहारे की इमली की शरबत बना रहे हैं। ये देखें आप, इमली का हम निकालेंगे पल्प इसका। ये देखें इस तरह हमने निकालना है, साथ साथ इसकी गुटलियाँ भी निकालते जाना, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारा इमली और आलू बुखारे का ये देखें पल्प सारा तैयार हो गया। मैंने सारे गुटलियाँ निकाल ली हैं, अब इसको हमने ग्राइंड करना है थोड़ा सा। ये देखें अभी मोटा है तो इसीलिए इसको ग्राइंड करेंगे, फिर हमारा अच्छा शरबत बनेगा। चलिए आगे रेसिपी आप स्टार्ट करते हैं। देखो इमली और आलू बुखारे का हमारा ये शरबत ग्राइंड हो रहा है, बुखारा ग्राइंड हो चुका है। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने पैन ऊपर रखा है चूल्हे पे, अब ये 4 कप पानी है। ये गर्म होगा फिर इसमें चीनी डालनी है, हो गया। अब चीनी डालने लगे बिस्मिल्लाह, ये देखें चीनी मेल्ट हो गई हमारी, पानी में हल हो चुकी है। इसको 2-3 उबाल आएंगे तो फिर इसमें इमली और आलू बुखारे का डालते हैं पल्प हम। आलू बुखारा जो हमने ग्राइंड किया था वो डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें हमारा बहुत अच्छा ये इमली आलू बुखारे का शरबत बनेगा, आप रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। हमारे बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश पर ये हम बना रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत, रोज़ों में ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। व्यूअर्स, हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है। ये देखें इतना हमारा बना है, आप भी इतना बनाइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें अब मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ कैसे आपने तैयार करना है। हमने इसमें नमक नहीं डाला था, काला नमक भी डाल सकते हैं, सादा नमक भी डाल सकते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 4 चम्मच मैंने इसके डाले हैं। ये देखें थोड़ा सा नमक डालना है। देखें हमारा शरबत तैयार हो गया है इमली आलू बुखारे का।
आप इसको ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। मुझे देखिए, मैंने आलू बुखारे से चटनी भी बनाई है, ये अगली रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। हरे का शरबत बहुत अच्छा बना है, मैं आपको पी कर बताती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छा बना, यम्मी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।